second day in Barcelona, another beautiful day and 18 degrees और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर। कल हम वैसे ही चल चल के थक गए थे और बहुत ज़्यादा बैलून्स के साथ बच्चों के साथ भी खेला शाम को बार्सिलोना बीच के पास, और बच्चों के साथ बच्चा बनने का एक अपना ही मज़ा है। फेमिलिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हम घूमे और हमने ट्रांसपोर्ट लिंक्स देखी एंड बेगम के लिए सोवेनियर भी तो ज़रूरी था। डे टू इन बार्सिलोना, सो के अभी उठा हूँ और कुछ होश नहीं थी, 9 से 10 घंटे सोया हूँ बहुत ज़्यादा, और अभी 8:30 बजे हैं तकरीबन, और 8:50 आई थिंक हो गए हैं, और बार्सिलोना बिल्कुल अभी खामोश है, सुबह कटा रहे हैं और ख़ूबसूरत सा वेदर है, धूप है, 18-19 डिग्री है और बहुत कमाल का, अमेजिंग अमेजिंग इर्द गिर्द एटमोसफियर है, और वो केबल कार देखें वो अभी भी अपने मंजिल में रवा दवा चल रही है, कूल एंड काम। 8:30 हैं इस टाइम और बिल्कुल पुरसकून, और रात यहाँ इतना ज़्यादा रश था, ये सेंट्रल ऑफ बार्सिलोना है, रमला बिल्कुल 5 मिनट्स अवे है, और बिल्कुल पुरसकून खूबसूरत इस टाइम। सुबह का मुझे काफ़ी शौक है, चलूं फिरूं सुबह के टाइम और एक अच्छी सी वॉक करके आऊं और सिटी को, एक क्वाइट सिटी को एक्सप्लोर किया जाए, इसलिए मुझे बहुत शौक है। और हमारे होटल के सामने ज़बरदस्त ट्रेन स्टेशन है, और सुबह का मुझे इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, और सुबह मॉर्निंग वॉक 8 बजे 9 बजे से पहले पहले की काफ़ी पसंद है, इसलिए अभी मेरी फैमिली भी उठ गई है और हम भी, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर लवली नाश्ता, एंड एज यू कैन सी इट्स अमेजिंग, 20 degrees, सनी डे, एंड वी आर गोइंग फॉर हलवा पूड़ी नाश्ता टुडे। ये है हमारा होटल और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हम हैं, और अमेजिंग आज का दिन है, फुल सनी डे, 20 degrees, रेडी फॉर गेट सेट गो। आदिल तंदूरी का डिलीशियस हलवा पूड़ी का अगेन नाश्ता किया। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और हम इधर मेट्रो ट्रेन में, इवन हमने वेल प्लान भी किया था फिर भी हमें ट्रेन नहीं पता चल रही थी, L4 L5 यहाँ पे स्टेशन के अजीब अजीब से नंबर हैं, तो नाउ वी आर गोइंग टू फॉर ला सागराडा फेमिलिया, एंड वी आर मीन्स रियली वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन, एंड स्टिल लैंग्वेज बैरियर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हेयर, इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, और यहाँ पे इतने हेल्पफुल बोर्ड्स भी नहीं हैं, और आपको मेट्रो प्रॉपर ढूंढना पड़ता है, और प्रॉपर गूगल मैप के साथ भी आपको उधर स्पेन के साथ वो स्पेनिश आ रही होती है तो ट्रांसलेटर के साथ आपको देखना पड़ता है, तो इट्स दिस इज़ द चैलेंज जो आपको देखना पड़ेगा। ये देखें यहाँ की मेट्रो, और हम वी आर गोइंग टू फेमिलिया, बिल्कुल लंदन की तरह है, और यहाँ पे काफ़ी बिजी होती है सेंट्रल प्लेस में, और टिकट्स काफ़ी चीपर हैं एज़ कम्पेयर टू लंदन, आप कहेंगे वहाँ रेल फेयर बहुत ज़्यादा हो गया है, और यहाँ 10 यूरो का आपको मिलेगा अनलिमिटेड, 8 स्टॉप मैक्सिमम, 8 आप जगहों में जा सकते हैं ट्रेन में, और एक 1 मंथ के लिए पास होता है, और मैंने अपनी वाइफ का लिया, बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, और आप इसमें 8 जो अट्रैक्शन हैं वो जहन में रखें, और उसमें ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं 10 यूरो में। आप ग्राडा फेमिलिया में आए हैं, सागराडा फेमिलिया, और बड़ा ज़बरदस्त प्लेस है, आज हम वो देखने जा रहे हैं, और L4 से L5 स्टेशन से हम आए हैं, और मेट्रो स्टेशन है, और बी केयरफुल यहाँ पे ज़रा लैंग्वेज बैरियर होता है, और बहुत ज़्यादा इधर लोग इतने फ्रेंडली, आप कह सकते हैं कि इतने नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग फ्रेंडली भी हैं, अब जिस तरह मैं प्रैम यूज़ कर रहा था तो प्रैम में काफ़ी ज़्यादा मुझे वो एक स्टेशन में सीढ़ियाँ थी, बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं थी, तो वहाँ पे 2 स्पेनिश लड़के आए हैं, उन्होंने फ़ौरन मेरी बगैर मेरे से पूछा, और मेरी सारी जो है आगे से फ्रंट से मेरी प्रैम उठाई है मेरे बच्चे समेत, और पूरा वो 20 सीढ़ियाँ उन्होंने ऊपर पार करवाई हैं, तो अच्छे लोग भी हैं,
और बस केयरफुल रहना पड़ता है। टूरिस्ट कंट्रीज में, सिटीज़ में ऐसा ही होता है कि आपको अच्छा बुरा सब आप फेस करते हो। तो अभी बुरा तो कुछ नहीं है, बस ये है कि ज़रा बी केयरफुल। यहाँ पिक पॉकेट्स का काफ़ी फेमस है कि वो बहुत तेज़ होते हैं। और अब हम वी आर हेड और इधर अभी फैमिली की तरफ अभी हम जाएंगे। अभी बच्चे ज़रा फ्रेश हो रहे हैं और झूले झूले ले रहे हैं, तो इधर पास ही बहुत अच्छा ये प्लेग्राउंड है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट हमारा फैमिलिया है और उसके बाद मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे आज ये पार्ट। लवली वेदर, खाना ज़रा सस्ता है, ग्रोसरी महंगी है, खाना यहाँ पे सस्ता है। अभी रात को हमने प्लेटर खाया मिक्स ग्रिल का, वो आपको 20 यूरो का मिल गया और वहाँ पे आपको 30 यूरो से नीचे प्लेटर मिलता नहीं। तो ये ज़रा कुछ डिफरेंसेस हैं और प्राइसेस के। और यहाँ बड़ा लवली वेदर है, सॉरी अबाउट दैट। ये देखिए अमेजिंग व्यू। और हम सागराडा फैमिलिया की तरफ अब हम जा रहे हैं। सागराडा फैमिलिया क्या आर्किटेक्ट है ये, वन ऑफ द बेस्ट वॉन्डर इन द वर्ल्ड। और ये एंटोनी गाउडी का यूनिक स्टाइल का एक आर्किटेक्ट है। ये बेसिकली उसने कंबाइन किए थे मल्टीपल एलिमेंट्स अपने यूनिक स्टाइल के, विच उसमें आर्ट नोवेवो था, कैटलान मॉडर्निज्म था एंड स्पेनिश लेट गोथिक डिज़ाइन भी इसके साथ, सारा मिक्सचर इसी एक डिज़ाइन में आपको मिलेगा। और बेहतरीन थीम और बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। मैं समराइज हो गया था और मैं देखता रह गया था इसको, तो अमेजिंग, मस्ट वॉच। सनी डे में तो इसका मज़ा और ही दुबाला हो जाता है। अमेजिंग अमेजिंग आर्किटेक्चर। गाउदी भाई आधा काम छोड़ के खुद तो मर गए। अब देखें, अब स्पेनिश को टेंशन पड़ी हुई है कि अब ये कौन इस ज़बरदस्त आर्किटेक्चर को कम्प्लीट करेगा। प्लान तो ये है कि 2026 तक ये कम्प्लीट हो जाएगा, देन लेट्स सी। इसके बाहर बहुत ज़्यादा अपने पाकिस्तानी बांग्लादेश भाई भी बहुत सी चीज़ें आपको स्विनियर और बहुत सी चीज़ें बेचते हुए भी दिखेंगे, तो वो भी आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। We have found bunch of amazing people. Westfield shopping mall की तरफ हम जा रहे हैं इस टाइम। बहुत अच्छा वेदर है, गर्मी है इधर, बहुत मज़े का वेदर, धूप, अमेजिंग अमेजिंग लवली। जी दोस्तों, अब हम वेस्टफील्ड में हैं आफ्टर फैमिलिया। हमारे प्लान में ये वेस्टफील्ड था। बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है ये, लंदन में भी 2-3 हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आउटडोर इनडोर ये वेस्टफील्ड है। और अभी मैं इसका आपको ओवरव्यू दूंगा। और बच्चे मेरे प्ले लैंड में हैं, वो खेल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी जगह जगह पे प्ले लैंड है बच्चों के, बहुत ज़बरदस्त वेदर है। और ये देखें, अमेजिंग अमेजिंग प्लेस है। और इधर 20 डिग्री है और धूप है खूब। और बड़ी वो अजीब बात है कि वेदर जो है, जब आप गूगल पे देखते हैं तो कहते हैं आज बारिश होगी, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। ये देखें, हॉलिस्टर शॉप, फेमस, माय फेवरेट ब्रांड। और कारफोर इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग स्टोर। और ये भी अभी हमने एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है काफ़ी बड़ा। और ये कितनी खूबसूरत सी शाम है अभी, एज यू कैन सी, ज़बरदस्त, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे जैसे ये पूरा शॉपिंग मॉल के अंदर का रास्ता है वेस्टफील्ड का। वेस्टफील्ड ग्लोरिया इसका असल में नाम है, और ग्लोरिया हर जगह लिखा है, वेस्टफील्ड छोटा सा लिखा है आगे करके, यहाँ पे जगह जगह पे ये हीमा। और अमेजिंग अमेजिंग सिटिंग एरियाज हैं। और अभी वी नीड टू एक्सप्लोर फर्दर वेस्टफील्ड। और बहुत अच्छा, बहुत, आई मस्ट सजेस्ट के आप ज़रूर आएँ। स्पेन चीपर है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, और बहुत डिफरेंट आपको कल्चर मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल डिफरेंट कंट्री की एक वाइब आती है, और अमेजिंग है। और यहाँ पे कोविड रूल अभी भी बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं।
इंग्लैंड में तो सब चीज़ें स्क्रैप हो गई हैं, कोविड रूल एंड एवरीथिंग। ये देखें बिग बिग स्टोर, ये देखें जी वेस्टफील्ड का लोगो। वेस्टफील्ड का सिर्फ एक ही वो है बोर्ड छोटा सा, बाकी तो सब उन्हीं का। और यहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हैं जो इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के भी हैं लेकिन इधर इनके भी ब्रांड बहुत डिफरेंट हैं जो बड़े बड़े हमें देखने को मिले हैं। तो आज ज़रा टायरिंग वो डे नहीं करना था हमने, इतना ज़्यादा नहीं घूमना था, अभी भी हमारे पास 5 दिन पड़े हैं। तो ये था कि हमें आज ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स रहें, कम जगहों में चलें फिरें, कल काफ़ी ज़्यादा हम चले थे। और स्टिल कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल, ये टपा टपा हर जगह है, ये इनका ब्रांड है। ये जैसा उधर कोस्टा कॉफ़ी है वैसे यहाँ पे टपा टपा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कैपेचिनो इनकी बहुत अच्छी है जो हमने दोपहर को पी थी। इस टाइम 5 o'clock हो रहे हैं और फैमिलिया के बाद हम बाकी जगहों में ट्रेन में घूमते रहे। और उसके बाद पास भी काफ़ी अच्छी मार्केट थी फैमिलिया के पास, वो देखी। बच्चे हमेशा टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए हर ट्रिप पे, ये आप हमेशा याद रखें, बच्चे कभी भी सफ़र ना हो। इसलिए हम हमेशा रोज़ तकरीबन 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम स्लॉट उनका होता है, उसमें उनको जो उनकी जो उन्हें पसंद है प्ले एरिया, प्ले गेम्स और बहुत सी चीज़ें, तो हम उसके मुताबिक हमने प्लान आउट किया होता है कि वो उस जगह पे जाएं जहाँ प्ले एरिया और ये सब पास ही हों और बच्चे इंजॉय करें, फ्रेश हो जाएं 5 बजे, और उसके बाद फिर आप फर्दर आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देख 4 से 5 फ्लोर हैं ये, और यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग एडिडास, बहुत बहुत ज़्यादा ब्रांड है यहाँ पे। और ये इनका मेन एरिया है, मेन एंट्रेंस, एंड यहाँ पे आपको इंग्लिश से काफ़ी दुश्मनी मिलेगी, इंग्लिश बहुत कम लिखी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेनियल स्पेनिश है। ये देखिए अच्छी चीज़ है, हर हर जगह पे इन्होंने वो रखा हुआ है बच्चों का सिस्टम, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बच्चे भी साथ साथ इंजॉय करें, विच इज़ गुड थिंग। एंड ये प्ले एरिया देखें, दिस इज़ अमेजिंग प्ले एरिया, साथ ही मेट्रो है, मेट्रो से आप जाएं और बिल्कुल आपके मेरा हमारा बिल्कुल पास होटल भी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आना जाना। ये देखिए जी अमेजिंग, वेस्टफील्ड के बाद हम वापस होटल की तरफ गए, फिर हमने आल्डी शॉप देखी और वहाँ से ग्रोसरी की, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये देखिए ग्रोसरी मैंने कर ली है, आई एम गोइंग फॉर पेमेंट। और हर स्टोर में इस तरह गर्म है ना वो मुल्क, तो आपको इस तरह जूसेस भी मिलेंगे, जूसेस मशीन स्टोर में आपको 50 यूरो का एक टिन मिल रहा है और वो भी ऑफर पे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ महंगाई है या महंगी हैं चीज़ें एज कम्पेयर टू, मे बी इट्स अ टूरिस्ट प्लेस सो दैट्स द रीज़न व्हाई। पीछे स्पेनिश बोली जा रही है और अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टोर हैं इंग्लैंड में, यहाँ पे यहाँ सिर्फ कारफोर आपको मिलता है जो बहुत एक जाइंट स्टोर है, डेट्स वाई लेसर कंपटीशन की वजह से ज़रा प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हैं। वैरायटी है तो 2 मिनट की दूरी पे हमारे होटल के ये है होटल, सॉरी आल्डी सुपर स्टोर, अच्छा है, इट्स वेरी गुड अमेजिंग, आपको सब तमाम किस्म की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी चीज़ें। इंग्लैंड इंग्लैंड है यार, बस ग्रोसरी के मामले में। अब खाली पानी ही देख लें आप, आपको यहाँ पे 65 यूरो की एक लीटर मिलेगी बस। फेवरेट बबल और
काफ़ी अच्छी लगी हैं मुझे ये, मैं इंग्लैंड में भी लेके जाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बबल का ऑप्शन है। जी ग्रोसरी के बाद हम होटल आ गए और साफ शफाफ हमें कमरा मिला यहाँ पे एज इट इज़। बच्चे और हम भी थोड़े से थक गए हुए थे चल चल के, तो हमने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए एक घंटा, और उसके बाद हमने रमला की खूबसूरत वाइब्रेंट नाइट लाइफ देखनी थी। डिनर भी ऑन द कार्ड्स था, और होटल विद बैल्कनी बहुत ज़रूरी है, और ये आप बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं बार्सिलोना इस्तांबुल, जब भी आप इधर जाएं तो आप बैल्कनी व्यू, बिजी सिटीज़ को इंजॉय करने के लिए होटल विद बैल्कनी व्यू बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशल लैम्ब कढ़ाई खाई हमने अगेन फ्रॉम आदिल रेस्टोरेंट, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छे लोग और बहुत ज़बरदस्त इनका डिलीशियस खाना होता है। जी डिनर हमने कर चुके हैं और अब इस टाइम रमला का हम नज़ारा ले रहे हैं। ये देख बड़े रश है यहाँ पे और ज़बरदस्त सिविनियर आपको मिलेगा यहाँ पे हर शॉप में, कप के चक्कर में, बार्सिलोना की डायरी, आपको हर चीज़ बार्सिलोना बार्सिलोना में रंगी हुई नज़र आएगी। और बहुत अच्छे यहाँ पे आपको फुटबॉल का भी झंडा और हर चीज़ मिलेगी। ये देखे बार्सिलोना 1 यूरो। अमेजिंग अमेजिंग स्टफ है। और ये जो कप्स हैं बहुत कमाल हैं, तो वी हैव गॉट 1, 2, 3 कप्स फ्रॉम हियर देयर एज वेल। How much this one? $7.50. $7.50. Okay, okay. देखें यहाँ bargain कोई नहीं करता। और बेहतरीन ये देखें बार्सिलोना का बेहतरीन 2-2 कप सेट भी मिल रहा है जो 10 यूरो का है। और एक्सीलेंट यहाँ पे सारा सेटअप है। और इस तरह की बहुत सी दुकान है यहाँ पे, और ये तो बहुत लंबी स्ट्रीट है, वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रीट। और पाकिस्तानी भाई इधर काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं शॉप्स में, ये भी एक पाकिस्तानी भाई शॉप में है। और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग शॉप्स हैं, हलाल बहुत ज़्यादा वैरायटी है हलाल फूड की, और अमेजिंग बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप है और ज़बरदस्त क्लियर, कोई बारिश का चक्कर नहीं। ये देखें लॉट ऑफ पीपल आर रियली रियली फ्रेंडली ओवर हियर। ये आंटी गुस्से में आ गई, आंटी को कोई छोड़ के चला गया। ओ आंटी गुस्से में आई हुई हैं। ये इंग्लैंड की तरह कूल एंड काम लोग ज़्यादातर उधर मेजॉरिटी में होते हैं, तो यहाँ कम ही मिलेंगे आपको कम तो नहीं के हैं, लेकिन बस दिस इज़ स्पेन यू नो। ये देखिए इस तरह की तंग गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ये तंग गलियों में आप जाके प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल और बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं, टाउन सेंटर एंड एवरीथिंग। Amazing stuff है, lovely और ना ख़त्म होने वाली, ये बस ऐसे चलती रहेगी। Excellent street, very long। और इधर भी सिविनियर से भरपूर शॉप दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक साइकिल, ये साइकिल्स बहुत चलती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत चलते हैं। जस्ट 1 यूरो डालें और उसके बाद वापस कर दें तो इजी है आपका, जहाँ से भी किसी भी स्टॉप से, जस्ट लाइक सेम लंदन। ये देखें बेहतरीन सुवेनियर की शॉप, अमेजिंग। मासी भाई इनके फाइन हीरो हैं, एक्सीलेंट प्लेस है। पाकिस्तानी भाई अपने अंदर हैं,
जबरदस्त है। एक्सीलेंट प्लेस है। ये देखिए जोड़ा, वजन हाउ मच फॉर मग? ओके डबल वन 10 यूरोस। थैंक यू। बहुत ज़्यादा सीनियर है इसमें, इस तरह की बहुत सी शॉप्स हैं जो आप आगे भी मज़ीद देख सकते हैं। विद इन अ मिली सेकेंड आप कह सकते हैं कि फायर लगी, और फौरन 15 से 20 सेकेंड के अंदर फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, क्विक सर्विस। ये एक ही बिन पे लगी थी, और बंदे देखें 5 बंदे खड़े हैं, गाड़ी खड़ी की है, वो रिपोर्ट कर रहा है आगे कि सब ठीक है और ऑल इन वेल। आते ही फायर अभी लगी है, और विद इन 15 सेकेंड इधर तैयार बैठी थी वैन जो आ गई। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। यहाँ पे टपास, बेहतरीन रेस्टोरेंट, हलाल फूड, और लेकिन यहाँ फ्रेंचाइजीज जो हैं, KFC हो गया या बाकी फ्रेंचाइजीज, वो कहीं भी आपको हलाल नहीं यहाँ मिलेगी। चाहे मुस्लिम के होने के बावजूद इनका एक रूल है कि हलाल का कोई चक्कर नहीं है फ्रेंचाइजीज में, लेकिन वैसे आपको हलाल टेकअवेज़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफ़ मिलेगा आपको हलाल का। और लारमला का एक और बहुत अच्छा खूबसूरत बात है कि आप आराम से हर एक पुरानी बिल्डिंग देख सकते हैं, इसका अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एक हिस्ट्री है, और अमेजिंग उनका एक काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है। और देखें अभी सैटरडे नाइट है आज, और अभी जस्ट 7:30 हुए हैं, और रश देखना शुरू कर देंगे जी, रश कितना अच्छा। एक्सीलेंट प्लेस है, ये चेक करें, ना ख़त्म होने वाली स्ट्रीट, चलती जाए। और तकरीबन यहाँ पे मैंने अभी एस्टीमेट लगाया है 550 के करीब मॉस्क्स हैं, जो मैंने तो नहीं एस्टीमेट लगाया, जो मैंने इंटरनेट से सर्च किया है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं, और इनकी एक इस्लामिक भी काफ़ी पहचान है, हिस्ट्री भी है कि यहाँ पे इस्लामी लोगों ने बहुत देर तक यहाँ पे हुकूमत भी की है स्पेन में, तो विच इज़ अमेजिंग। और आपको इस टाइप काफ़ी लोग भी मिलेंगे जो पिक पॉकेट भी आपको कह सकते हैं कि वो होते हैं, तो कुछ स्कैम्स यहाँ पे होते हैं, तो बस उन पे ज़रा आप केयरफुल रहिए। जिप वाली जैकेट पहने, जिप वाला ट्राउज़र पहने, पैसे आपके जिप ट्राउज़र में जिप के साथ बंद होंगे तो कोई पिक पॉकेट आपका वो नहीं छेड़ेगा, और बिल्कुल सिक्योर होंगे आप। सबसे अच्छा है कि पिक पॉकेट प्लेस में अगर आपने जाना है तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, प्रॉपर शॉप है उनकी, ज़बरदस्त FCB। शर्ट्स वगैरह सारी किट मिल रही है उधर, और ये देखें बेहतरीन इटालियनो आइसक्रीम, अमेजिंग। लोग काफ़ी बिजी, और एक अपना ही स्टाइल है इनकी आइसक्रीम का,
We must try this in one or two couple of days. और ये देखेंगे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, उसका एक अपना ही टेक्सचर है। ये देखें, हैंडमेड ज़बरदस्त आइसक्रीम का यहाँ पे बहुत सेशन है। और इस किस्म के लॉलीपॉप्स बार्सिलोना वाले, बार्सिलोना का बंदा रह गया बस, उस पर एक ठप्पा लगाने की देर है। बाकी हर चीज़ बार्सिलोना है यहाँ पे, विच इज़ अमेजिंग, दे लव देयर कंट्री। और सुवेनियर में उन्होंने हर जगह अपना बार्सिलोना लिखा है सिटी में। ये देखें, हर जगह आपको फुटबॉल क्लब भी मिलेगा। ये फेमस कारफोर मार्केट डिलीवरी अभी आई है, वेरी वेरी बिग एंड लवली मार्केट। आई मस्ट रिकमेंड कि जब भी आप इधर आएँ तो आप मार्केट में ज़रूर जाएँ। और अमेजिंग प्लेस है, एक्सीलेंट लवली होटल रॉयल देखें। और ये देखें, ये एक और बहुत अच्छी आइसक्रीम की, यही सेम फ्रेंचाइज जो अभी गई है, बेहतरीन आइसक्रीम, हैंडमेड आइसक्रीम ये भी दे रहे हैं। इस तरह बस आगे चलते जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा स्टफ़ मिलेगा रमला में। Another beauty of night on day second in Spain, and we are in the middle of town center. और इधर यहाँ पे हर टाइप की जो भी स्ट्रीट आपको लग रही है, दिख रही है, वो सारी भरी हुई हैं पीपल से। लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल देयर एंड लवली लवली नाइट लाइफ। एंड हम खाने की तरफ जा रहे हैं इस टाइम, तकरीबन 5:30, ऑलमोस्ट 6 o'clock हो रहा है। Been amazing, amazing second day, and we are heading towards Ramla. जी, day two तो मेरा ख़त्म हो गया, बड़ा अच्छा रहा। आज फैमिलिया गए, काफ़ी अच्छा उधर टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने प्ले राउंड भी किया, बहुत मज़ा आया। और ट्रेन राइड ली फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्पेन में, और 10 यूरो का आपको पूरा पास मिलेगा, जिसमें आप 4-8 जो हैं राइड्स ले सकते हैं, कोई सी भी अनलिमिटेड हैं वो, चाहे आप बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो ये आपके लिए फ्री है। तो फिर हम उसके बाद वेस्टफील्ड गए, और वेस्टफील्ड 15 मिनट की वॉक थी वो हमने की। उसके बाद वेस्टफील्ड गए, बहुत मज़ा आया, प्ले अगेन प्ले एरिया में गए मेरे किड्स, क्योंकि उनका साथ साथ हक बनता है उनके ट्रिप में, तो वो उनको फुल इंजॉय करवा रहे हैं साथ साथ। उसके बाद फिर लास्ट जो हम वापस फिर बस से आए, बड़ी खूबसूरत बस, बहुत अच्छा, बस की राइड भी बहुत अच्छी रही, वो भी किड्स ने, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। तो अच्छा ऑल इन ऑल रहा। अब हम रमला में हैं और नाइट गुजार रहे हैं, बहुत नाइस है। और जब दिल करेगा तो पास ही होटल है 10 मिनट में, तो हम चले जाएंगे। लवली नाइट लाइफ हेयर, जो बहुत ही बहुत अमेजिंग है इन सब बड़े बड़े सिटीज़ की। तो सी यू इन डे 3।